गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 22 आई है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल करेंगे। हिंदी की वर्कशीट है, लिखेंगे क्लास, लिखेंगे क्लास के साथ अपना सेक्शन, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे और आज की डेट डालना नहीं भूलेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। बच्चों, आज हम व्यंजन या और रा के बारे में पढ़ेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पहला लिखा है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम बोलिए तथा नाम की पहली आवाज़ वाले अक्षर को रेखांकित कीजिए। तो देखिए, ऐसे ये लिखा है यंत्र, तो इसमें क्या आ जाएगा, या। फिर क्या है योग, तो या आ जाएगा। फिर क्या है यम, तो इसमें भी या आ जाएगा। फिर क्या है रस, तो इसमें क्या आ जाएगा, रा। ठीक है, ये क्या है रथ, तो क्या आ जाएगा, रा। क्या है रस्सी, तो क्या आ जाएगा, रा। है ना, कर लिया हमने, आगे चलते हैं। और यहाँ लिखा है, आइए बच्चों अब रजत और यश की कहानी पढ़ें और कहानी में आए या व्यंजनों पर नीला और रा व्यंजनों पर पीला रंग चलाएं। तो चलिए करते हैं हम लोग। यश और रजत। रात का समय था, ठीक है। अब क्या हुआ, यश और रजत घर में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। तो अब आपको क्या करना है, जहाँ पे या आता है उसमें नीला लगाना है, तो यश हो जाएगा। ठीक है, यश अब कहाँ आ रहा है, या देखिए जल्दी से, यहाँ। ठीक है, अब आता ही है बात रा की, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यश और रजत घर में यहाँ वहाँ घूम, है ना, रहे थे। तो हमने जहाँ जहाँ देखिए आपका ब्लू कलर है, वहाँ हमने या के ऊपर चला दिया ब्लू कलर, और जहाँ रा था वहाँ हमने चला लिया येलो कलर। अब फिर देखिए रजत रा पे आ जाएगा, रजत घूमने के लिए छत पर देखिए जाने लगा, तभी यश ने कहा, ये देखो। ठीक, अब क्या करना है, इसको दोबारा से हम लोग फिर दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ आपको याद दिखे उसको कर लीजिएगा, रजत घूमने के लिए छत पर जाने लगा, तभी यश, है ना, यश ने कहा, ये देखो माँ ने रसोई घर में रसगुल्ले बनाए हैं। ठीक है, तो अब इसमें रसोई है ना, रसोई में आ जाएगा, रसगुल्लों में आ जाएगा, बस इसके अलावा रा कहीं नहीं आएगा और या तो है ही नहीं इसमें, है ना। फिर क्या आएगा, रजत ने कहा, मैंने तो अभी रोटी खाई है और रायता पिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये रोटी में आ जाएगा, रायते में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें अगर या की, तो देखिए यहाँ पे पिया, रायता, है ना, इसमें भी आपके क्या आ गए, या आ गया। अब क्या लिखा है, रसगुल्ले तुम खा लो, यश को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने रजत का धन्यवाद किया। ठीक है, अब यश ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, उसने रजत का धन्यवाद, है ना, किया। तो यहाँ पे या है, हमने या पे लगा लिया। अब यहाँ दोबारा से एक बार देख लीजिए, रसगुल्ले, ठीक है, इसके अलावा और कहाँ पे आ रहा है, सुनकर बहुत अच्छा लगा उसने, ये रहा। ठीक है, तो अब हमने जहाँ जहाँ रा था वहाँ येलो कलर और जहाँ जहाँ या था वहाँ पे ब्लू कलर से अंडरलाइन कर दिया है। तो अब कर लेंगे बच्चों, हमें भी खाने पीने की चीज़ें मिल बांट कर खानी चाहिए, यानी कि हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो भी चीज़ हम अकेले अकेले खा लें और किसी को ना दें। हमारे पास कुछ भी है, अगर थोड़ा सा भी है तो भी हमें सबके साथ शेयर करना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ लिखा है, आइए अब या और रा व्यंजन का अभ्यास अपनी कॉपी में लिखकर करते हैं। तो अब आपको या व्यंजन बनाना है, तो बहुत आसानी से आप या व्यंजन बना सकते हैं, है ना, और रा व्यंजन बनाना है तो आप रा व्यंजन भी बहुत आसानी से बना लेंगे। ठीक है, चलें तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।